hello everyone this is me ayushi and i welcome you all to score shala इस वीडियो के अंदर अपन पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को अपन जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अब ये जो टॉपिक है बच्चों अपना पॉवर्टी ये किससे जुड़ा हुआ है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनमी इस चैप्टर से ये जुड़ा हुआ है इस चैप्टर से जुड़े काफी सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से वन ऑफ द टॉपिक जो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है रूरल डेवलपमेंट है और बहुत से टॉपिक्स हैं ठीक है सब सारे ही टॉपिक्स अपन ने बहुत अच्छे से समझे हैं अब एक एक करके सभी टॉपिक्स के जो एनसीआर क्वेश्चन है उनको अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए यहां से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला पॉवर्टी है, है? तो क्या, क्या होती है तो हम यही हमारे दिमाग में क्या आता है मतलब अगर, अगर अपन कोई भी किसी भी चीज को तो क्रिएट होती है ना सेम उसी तरीके से अगर आंख बंद करके अगर सोचते हैं कि भाई गरीबी क्या है तो अपने दिमाग में कैसी पिक्चर क्रिएट होती है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने फटे फुटे कपड़े से पहन रखे हैं मतलब बिल्कुल ही बाल खराब है, है।, है, है, है।, है, है तो ऐसी से हमारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट होती है ठीक है तो जब अपन इसके डेफिनेशन लिखते हैं ना तो उसके अंदर भी अपन यही सारी चीजों को एड ऑन करते हैं इसके अंदर अपन यही लिखते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी रोजमर्रा के जीवन में अगर अपनी बेसिक नेसेसिटी इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता है अगर दो वक्त का खाना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो इसका मतलब हम ये समझ के चलते हैं कि वो आ, जो व्यक्ति है वो गरीब है ठीक है अब इसको जब अपन बिल्कुल आंसर के फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं सो पॉवर्टी इन इंडिया हैज बीन डिफाइंड एज दैट सिचुएशन ये एक ऐसी सिचुएशन होती है इन व्हिच एन इंडिविजुअल फेल्स टू अर्न इनकम जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल उतनी इनकम अर्न नहीं कर पाता है सफिशिएंट टू बाय हिम मिनिमम मींस ऑफ जिससे कि मतलब वो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल इतने भी पैसे अर्न नहीं कर पाता है कि वो अपने जो बेसिक या जो मिनिमम सब्सिस्टेंस के लिए जिन चीजों की उसको जरूरत पड़ती उनको भी वो अफोर्ड कर पाए मिनिमम सब्सिस्टेंस क्या है फूड uh, ठीक है क्लोदिंग शेल्टर एजुकेशन हेल्थ ये सारी चीजें भी हैं लेकिन अगर अपन बेसिक चीजों पे आए तो यही तीन चीजें हम बेसिक अज्यूम करके चलते हैं ठीक है तो अगर कोई भी इंडिविजुअल इन चीजों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अगर उसकी इनकम इतनी भी नहीं है तो वो इंडिया के अंदर पॉवर्टी कहलाती है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज मेंट बाय फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं दिस इज योर क्वेश्चन So, National Food for Work Programme, uh, yani i.e. NFWP, this programme was initially launched, WEF, 2001, 2001 लेकिन रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि उसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया था दिस प्रोग्राम एम्स एट अर्गमेंटिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट इन दी ड्रॉटेक्टेड रूरल एरिया इन एट स्टेट तो आठ ऐसे प्रदेश थे आठ ऐसे स्टेट्स थे जहां पे ड्रॉट की वजह से बहुत से लोगों को आ, मतलब बहुत से लोगों को बहुत कुछ सफर करना पड़ा उनके उनकी नौकरी चली गई उनके घर बार बिल्कुल खत्म हो गए थे मतलब वो ऐसी में थे कि वो अपना खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो इस प्रोग्राम की मदद से उन आठ स्टेट्स के अंदर ऐसे लोगों को जो इस सिचुएशन को फेस करते ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया रोजगार दिया गया ताकि वो इनकम अर्न कर सकें और फूड जैसी चीज जो है उसको वो अफोर्ड कर सके ठीक है तो दिस प्रोग्राम एम एट एग्यूमेंटिंग फूड सिक्योरिटी ठीक है फूड सिक्योरिटी थ्रू वेज इंप्लॉयमेंट फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है थ्रू वेज इंप्लॉयमेंट ठीक है एम्प्लॉयमेंट दे करके इन ड्रॉट अफेक्टेड रूरल एरियाज़ इन एट स्टेट्स अब वो जो एट स्टेट है वो कौन कौन से है देखो गुजरात छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान एंड उत्तरांचल तो ये आठ स्टेट्स हैं तो आपको आ, जो ये एन एफ डब्ल्यू पी है इसको समझना होगा किस तरीके से सबसे पहले तो आपको डेट याद करनी होगी कि ये कब लॉन्च किया गया था फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया था और इसका एम क्या था और इससे जुड़े जो एट स्टेट्स हैं वो कौन कौन से उनके नाम आपको यहाँ पे याद रखने होंगे ठीक है

ओके वेजेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उनको वेजेस दिए गए थे कैन बी पेड पार्शली इन काइंड एंड पार्शली इन कैश तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी उनसे काम करवाती थी उसके बदले में उनको आधा तो वेजेस देती थी और आधे आधा उनको काइंड के रूप में देती थी काइंड देखो पेमेंट इन काइंड में क्या होता है कि किसी को जैसे रहने की सुविधा प्रोवाइड करवा दी किसी को खाना दे दिया किसी को फूड ग्रेन्स दे दिए तो ये सारी चीजें जो होती है ये पेमेंट इन काइंड होती है ओके द वर्कर्स आर पेड द बैलेंस ऑफ वेजेस इन कैश such that they are assured of the notified minimum wages. अब यहाँ पे जो भी workers थे उनको wages दी जाती थी जिससे कि उनका जीवन में मतलब जीवन में जो भी basic चीजें हैं जो कि उनको अपने अ, मतलब उनकी necessities की हो सकती हैं, या फिर subsistence के लिए जो जो भी चीजें हैं वो उनको वो afford कर सकें ईजिली ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टेट एन एग्जांपल ईच ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज तो यहाँ पे आपको एग्जांपल सेटअप करने हैं ठीक है किस चीज के एग्जांपल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरियाज चलिए सो पीएमआरवाई इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन रूरल एरियाज एंड एस जे एस आर वाई इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन अर्बन एरियाज ठीक है तो ये प्रोग्राम आपको ध्यान रखने हैं चलिए तो इसका आंसर देखते हैं अपन पी एम आर वाई इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन रूरल एरियाज सो रूर एरिया प्रधानमंत्री रोजगार योजना थीके? फिर अगर अपन अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरियाज में कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था एस जे एस आर वाई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ठीक है अब इन प्रोग्राम के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को काफी बढ़ावा मिला था ओके चलिए हाउ कैन क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग एसेट एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी अब यहाँ पे अगर किस तरीके से आपसे मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि किस तरीके से अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट पॉवर्टी पे क्या पड़ेगा गरीबी पे क्या पड़ेगा तो दिखती सी बात है अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना जीवन उनका जो लाइवलीहुड है उसको वो अच्छे से मतलब अच्छे से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकता है अपना जो लाइवलीहुड है उसको स्मूदली रन कर सकता है राइट तो यही है कि भाई अगर कोई इन, आ, कोई भी व्यक्ति अगर इनकम अर्न कर रहा है तो वो पॉवर्टी से वो गरीबी से कोसो दूर रहेगा है ना तो यही इसका आंसर है विद द क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग अट पीपल विल हैव अ वे टू अर्न देयर लाइवलीहुड तो यहाँ पे होगा क्या कि लोगों के पास में एक तरीका होगा अपने जीवन को आसान आसानी से चलाने का इट विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी और इससे होगा क्या कि गरीबी जो है वो का, काफी हद तक खत्म होगी ओके और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज briefly explain the three dimensional attack on poverty adopted by the government ab government ne aise kaun se three dimensional attack ko adopt kiya tha garibi ko khatam karne ke liye theek hai ye aapka question hai chaliye a country is caught in a vicious trap vicious trap matlab ek aisa jaal जो कि बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं ना एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो ऐसे जाल को अपन विशियस ट्रैप के नाम से जानते हैं so, is caught in a vicious trap. Once स पॉवर्टी इज इनबिल्ट इन दिस्टम अगर किसी भी कंट्री के अंदर एक बार पॉवर्टी uh, built हो गई है ना गरीबी अगर आ गई किसी भी देश के अंदर तो वो अपने आप में इतना ब्रीड कर लेती है खुद को अपने आप में वो गरीबी इतना ज्यादा खुद को कह सकते हैं स्ट्रोंग कर लेती है कि फिर उसको उस देश से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है द गवर्नमेंट हैज फॉलोड थ्री डायमेंशनल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने थ्री डायमेंशनल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम को फॉलो किया था यहाँ पे लेके आई थी अब कौन कौन से थे इसको देखते है। सबसे ये मतलब बढ़नी चाहिए हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हमें बढ़ाना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी हेल्पफुल इन रिमूविंग पॉवर्टी बाय द ट्रिकल डाउन इफेक्ट अब इकोनॉमिक ग्रोथ की मदद से गरीबी कैसे खत्म होगी और या फिर कैसे कम होगी बाय ट्रिकल डाउन इफेक्ट से इट वाज फेल दैट रेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बेनिफिट द अंडर डेवलप्ड रीजन एंड मोर बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी ये बोलना चाह रहा है इस पॉइंट के अंदर कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो दिखती सी बात है जो ऐसे बैकवर्ड रीजन हैं या जो ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जो बैकवर्ड सोसाइटी है वो भी धीरे 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 डेवलप होगी उनका भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी धीरे धीरे करके एनहांस होगी वेरियस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स नीड टू बी अब यहां पे कि बहुत से ऐसे बेनिफिशरी प्रोग्राम्स जो हैं उनको अब हमें और थोड़ा सा ताकतवर बनाना पड़ेगा फॉर दिस लोकल इंस्टीट्यूशन हैव टू बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम और इसके लिए जो लोकल इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी इस प्रोग्राम से जुड़ना पड़ेगा ओके okay? नाउ एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन अ को ऑपरेटिव बेसिस अब ये जो एक्टिविटीज है ये को ऑपरेटिव बेसिस पे ऑर्गेनाइज करानी चाहिए मेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड भी टेकन अप टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ पोटेंशियल वर्कर्स और इसके अंदर क्या करना चाहिए जो भी पोटेंशियल वर्कर्स हैं उनकी आ, जो स्किल्स हैं उनको और शार्पन अप करना चाहिए जैसे क्या होगा जैसे वो और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और इससे जीडीपी बढ़ेगी और कुल मिलाकर के हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगी टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक इम्युनिटीज द प्रोविजन ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज शुड बी मेड लाइक वाटर सप्लाई सैनिटेशन न्यूट्रिशन सो ये जो बेसिक इम्यूनिटीज होती है ये सारी चीजें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए जैसे कि यहाँ पे क्या बताया है वॉटर सप्लाई हो गया सैनिटेशन हो गया न्यूट्रिशन हो गया टू दी पीपल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट प्रोग्राम गवर्नमेंट अडोप्टेड टू हेल्प द एल्डरली पीपल एंड पुअर एंड डिस्टिट्यूट वेमेन तो यहां पे गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च करे हैं ऐसे कौन से कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आई है किसके लिए एल्डरली पीपल पुअर एंड डिस्टिट्यूट वेमेन इन तीनों कैटेगरीज में जो जो भी लोग आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम लेके आई है कौन कौन से प्रोग्राम अडॉप्ट किए हैं सो so, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे एन की यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है इसको जरा समझिए सो एन एस ए पी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट नाइनटीन नाइनटी फाइव ये डेट पहले आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये 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 कब लॉन्च किया गया था अगस्त के अंदर। As a 100 centrally sponsored scheme. अब ये जो स्कीम थी ये पूरी की पूरी किसके थ्रू स्पॉन्सर की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फॉर सोशल असिस्टेंस टू पुअर हाउस होल्ड अफेक्टेड बाई ओल्ड एज डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड अर्नर एंड maternity केयर तो इसके अंदर किन किन लोगों पे फोकस किया गया था ओल्ड एज लोगों पे फोकस किया गया था और ऐसे परिवारों पे फोकस किया गया था जिनके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होता होगा जो वो ही कमाता था और किसी हादसे में उन्हीं की डेथ हो जाए तो उन उन ऐसे परिवारों के अंदर कोई कमाने वाला नहीं होता तो ये स्कीम उन ऐसे परिवारों को ऐसे लोगों को मदद करने के लिए थी ठीक है तो ओल्ड एज डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड अर्नर एंड मेटर्निटी केयर और मेटर्निटी केयर के लिए भी ये स्कीम थी ठीक है तो इन तीन कैटेगरीज पे फोकस uh, किया गया था एन के अंदर द प्रोग्राम हैड हैज थ्री प्रोग्राम के अंदर थ्री दैट इज नेशनल दिस इज नेशनल ओके ये एक ही वर्ड है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम एनओ ए पी एस नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एन एफ बी एस एंड नेशनल मिटर्निटी बेनिफिट स्कीम तो ये तीनों ही स्कीम जुड़ी हुई थी इस प्रोग्राम से फिर है अन्नपूर्णा म इन टू अफेक्ट फ्रॉम अप्रिल वन टू थाउजेंड एज अंड्रेड परसेंट सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम अब ये जो अन्नपूर्णा है ये इसको पहले तो आपको ये डेट ध्यान देनी होगी कि कौन सा कब ये लॉन्च किया गया था सो फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड के अंदर अब ये भी जो स्कीम है पूरी की पूरी स्पॉन्सर की गई थी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इट एम्स एट प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिनियर सिटीजन अब यहाँ पे ये जो स्कीम है ये ऐसे लोगों के लिए बनाई गई थी ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई Thi, who, though eligible for pension under the National Old Age Pension Scheme, are not getting the same. तो ये ऐसे लोगों के लिए बनाई गई थी जो कि एलिजिबल तो हैं पेंशन के लिए लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो ये जो स्कीम थी ये उन लोगों के लिए थी ठीक है फूड आर प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरीज एट दब्सिडाट रुपीज टू पर केजी ऑफ वीट एंड रुपीज थ्री पर के जी ऑफ राइस तो बहुत ही सब्सिडाइज कीमतों पर वीट और राइस उनको दिया जाता था दो रुपए के जी तीन रुपए के जी के बेसिस पे द स्कीम इज ऑपरेशनल इन स्टेट्स एंड फाइव यूनियन टेरिटरीज अब ये जो स्कीम है ये uh, काफी स्टेट्स के अंदर ऑपरेट होती है और फाइव यूनियन

बेरोजगार आदमी जो होता है वो हमेशा गरीब होता है और अगर इसको हम वाइस वर्सा कर दें तो जो गरीब आदमी होता है वो एजुकेशन को इतना एक्सेस नहीं कर पाता मतलब एजुकेशन के एक्सेस में नहीं होता है तो वो अपनी लाइफ के अंदर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी उसको नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी बेरोजगार भी होता है तो ये दोनों ही चीजें अपने आप में काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है अब इसका आंसर अपन देखते हैं सो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लैक ऑफ लिविंग अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा जीवन जीना जिसके अंदर बहुत सी चीजों की कमी है इट लेट्स टू हंगर ग्लूम Uh, pessimism indebtedness, etc तो अब ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या है कि आपके ऊपर खूब कर्जा होगा आपके आपके पास खाने खाने का खाने के लिए नहीं होगा आपके पास में रहने करने की सुविधाएं प्रॉपर नहीं होंगी एक्सेट्रा ऑफ पोवर्टी और ये सारे के सारी सारी के सारे साइन किस चीज हैं गरीबी के ये साइन नेक्स्ट इज इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है ये आपको समझाना है तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है मतलब रिलेटिव के अंदर अपन कंपेरिजन करते हैं किसी भी दो अपन कंट्री का कर सकते हैं स्टेट का कर सकते हैं दो लोगों की इनकम का कर सकते हैं जैसे कि आज अगर अपने सामने दो लोग खड़े एक एक, एक की इनकम करोड़ों में है और एक की इनकम मतलब वो लैक्स में अर्न करता है तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो दिखती सी बात है जो जो बंदा में अर्न कर रहा है वो थोड़ा सा डाउन है कंपेयर टू ओके सो पे ऐसा नहीं है ये दोनों में से कोई भी गरीब है नहीं भाई लाखों में जो इनकम कमा रहा है तो वो भी तो अमीर है लेकिन अगर कंपेरिजन करें तो रिलेटिवली दिस वन इज मोर पुअर ठीक है तो और अब जैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी पॉवर्टी की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरीके से गरीब ठीक है अब यहाँ पे एक रेखा होती है इमेजिनरी लाइन होती है इसके नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल के अंदर काउंट किए जाते हैं ठीक है तो जितनी भी पॉपुलेशन इसके अंडर में आती है वो सब एब्सोल्यूट पुअर कहलाती है ओके

इन कंपेरिजन इज दैट ऑफ पोर कैपिटल इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज तो अगर बोलते हैं कि इंडिया इज रिलेटिवली पुअर तो यहाँ पे अपन कंपेरिजन कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज से कि भाई अमेरिका से रिलेटिवली पुअर है कि किसी दूसरे कंट्री से रिलेटिवली पुअर है हम ये नहीं कह रहे कि बहुत मतलब पूरी तरीके से गरीब है नहीं लेकिन कंपेरिजन के अंदर अगर देखा जाए तो

या तो लॉरेंस कर्फ के थ्रू की जाती है या फिर गिनी के थ्रू जाती है। अगर अगर पॉवर्टी की अपन बात करें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी लाइन की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं पर okay? डे तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड के जितने भी देश है उनमें से वन ऑफ वेरी पुअरेस्ट कंट्रीज में काउंट होता है इन इंडिया ट्वेंटी टोटल पॉपुलेशन इज एब्सोल्यूटली पुअर और अगर इसको एब्सोल्यूट पुअर के अंदर काउंट करें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन में से इतने लोग जो हैं वो कहां आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू आर फ्रॉम अ पुअर फैमिली एंड यू विश टू गेट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सेट अप अ पेटी शॉप अब आप एक बहुत ही मतलब आपको इमेजिन करना है कि आप एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं और आपको सरकार से मदद चाहिए अपनी किसी दुकान को सेटअप करने के लिए अंडर विच स्कीम विल यू अप्लाई फॉर असिस्टेंस एंड इन तो आप किस स्कीम के अंडर में अप्लाई करोगे मदद के लिए और क्यों करोगे ठीक है सो असिस्टेंस कैन बी गिवन बाय आजीविका तो यहाँ पे अगर आपको अपना कोई बिजनेस सेटअप करना है ना और आप बहुत गरीब हो तो यहाँ पे आप जब सरकार से मदद लेने जाते हो तो कौन सी स्कीम के अंडर में आपको मदद मिलती है आजीविका के अंडर में

डन चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी अब रूरल पॉवर्टी क्या होती है और अर्बन पॉवर्टी क्या होती है ये अपने को समझाना है इज इट करेक्ट टू से दैट पॉवर्टी हैज शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज और क्या ये बिल्कुल सही होगा ये कहना कि रूरल एरियाज की जो गरीबी है वो अब अर्बन एरियाज पे शिफ्ट हो चुकी है यूज द ट्रेंड्स इन पॉवर्टी रेशियो टू सपोर्ट योर आंसर ओके चलिए एग्रीकल्चरल लेबर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तो अगर किसी रूरल एरिया को अगर अपन इमेजिन करते हैं तो वहां पे गरीब कौन होगा जिसके पास में खुद की जमीन नहीं होगी जो छोटा मोटा किसान होगा हम उसी को गरीब कंसीडर करेंगे ना और या, रूरल एरियाज में अमीर कौन होगा जिसके पास में सबसे ज्यादा जमीन होगी सबसे ज्यादा गाय भैंसे होंगी सबसे ज्यादा नौकर चाकर होंगे तो वो वहां का अमीर आदमी होगा ठीक है तो रूरल एरियाज में गरीब आदमी कौन होता है वो होता है जिनके पास में खुद का एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होता है

Rural urban breakup poverty following pattern emerges. The decline in poverty was comparatively much step in rural areas where the percentage of people living below poverty line fell to 33.8% in 2009-10 from 41.8% in 2004. फोर uh, फाइव uh, तो देखो टू थाउजेंड फोर फाइव के अंदर जो पॉवर्टी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन की जो पॉपुलेशन थी रूरल एरियाज के अंदर वो कितनी थी फिर जैसे जैसे साल दर साल आगे बढ़ते रहे फिर 2009, 10 के अंदर वो जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी वो सिर्फ कितनी रह गई थर्टी थ्री पॉइंट एट परसेंट रह गई क्यों क्योंकि यहां से लोग कहां पे माइग्रेट हो चुके थे अर्बन एरियाज में हो चुके थे सो इन अर्बन एरियाज परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इस एक्सप्लेन रिलेटिव पॉवर्टी विद हेल्प ऑफ दी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया सो आपको रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट बताना है और यहाँ पे कुछ स्टेट्स के बारे में भी आपको बताना है ठीक है चलिए सो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है

दो ग्रुप्स होते हैं एक जिनकी इनकम थोड़ी हायर होती है और एक जिनकी थोड़ी सी लोअर होती है तो इनके बीच में क्या होता है मतलब कंपैरिजन होता है ओके Among the major state percentage of people living below poverty line was 37.9% in Assam, 23% in Gujarat, 20.1% in Haryana, 23.6% in Karnataka, 36.7% in Madhya Pradesh, 24.8% in Rajasthan, and 26.7% in West Bengal in 2009 and 10. So 2009-10 uh, ke under, uh, states under population below poverty के मतलब नीचे थी उसका परसेंटेज आपको मोस्टली तो काफी स्टेट्स का यहाँ पे दे दिया है ओके नेक्स्ट सपोज यू आर अ अ रेजिडेंट ऑफ विलेज तो आप सपोज करो कि आप किसी गांव में रहते हो सजेस्ट अ फ्यू मेजर्स टू टैकल द

टेलिंग पीपल अबाउट वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ दी गवर्नमेंट और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है जिसकी मदद से गाँव के बहुत से ऐसे लोगों को जिन जो जिनको मदद की जरूरत है उनको मदद मिल सकती है चाहे फाइनेंशियल मदद हो चाहे जमीन की मदद हो चाहे किसी सब्सिडी की मदद हो चाहे सीड्स और ये सारी चीजें जो होती है ना फर्टिलाइजर्स इन सब की तो क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम्स लेके आई है जिन स्कीम की जिन स्कीम्स की मदद से वो बहुत से लोगों को ऑलरेडी मदद दे चुकी है तो ऐसी स्कीम्स के बारे में ऐसे प्रोग्राम के बारे में वहां पे लोगों को बता करके हेल्पिंग पीपल टू टेक लोन एंड गेट सेल्फ एम्प्लॉयड है ना लोगों को मदद करेंगे कि भाई आपको लोन कैसे कैसे लेना है उनको पहले नॉलेज देंगे कि भाई लोन जैसी चीज क्या होती है फिर फिर उससे आपका काम निकलता है फिर आपको पे बैक करना होता है वो सारी चीजें फिर आपको लोन अगर लेना है तो आप कैसे लोगे है ना कैसे मतलब उन लोगेजों की आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हो सकते हो अगर उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो उसके लिए आप कौन से प्रोग्राम के अंदर अपना जो नाम है वो जोड़ सकते हो ठीक है कीपिंग अ कंट्रोल ऑन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अब पॉपुलेशन की पॉपुलेशन uh, के बारे में भी लोगों को हमें अवेयर करना होगा कि भैया जो पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ती जा रही है अब इसको अपन अपन को को इसकी जो ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा तो ये सारी चीजें भी हम उन्हें समझाएंगे नेक्स्ट इज हेल्पिंग पीपल टू स्टार्ट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट और लोगों को हम जो उनके स्मॉल बिजनेसेस है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको सेटअप करने में उनको मदद करेंगे जिससे कि और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं पॉवर्ट